हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट से वॉइस के क्वेश्चंस। और इस वॉइस के क्वेश्चंस के अंदर एक चीज़ देखना आपको मिलेगी देखने के लिए कि बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल है, डिफिकल्ट लेवल नहीं है। बिकॉज इसमें से बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे वॉइस एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए। और खास करके अगर आपको डेप्थ मतलब डीप में जानना है वॉइस के बारे में, तो आप ट्रिकी इंग्लिश चैनल जो मेरा ही है सेकेंड चैनल, उस चैनल पर जाके एक बार वॉइस पढ़ लेना, ठीक है। वॉइस नरेशन सब पढ़ा दिया उस चैनल पर, तो थोड़ा डीप में जाके अगर पढ़ना है तब ये इजी टू मॉडरेट लेवल है। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा से वॉइस आता है तो फिर भी इसको लगाओ और मेरे से पहले आंसर करने की कोशिश करो, ताकि पता चले कि वाकई आपने वॉइस अच्छे से पढ़ रखा है कि नहीं, ठीक है। ये इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आते हैं, मॉडरेट ही क्वेश्चन पूछेंगे, ना ज़्यादा ईजी ना ज़्यादा डिफिकल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही ईजी है। देखो कह रहे हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब इसके अंदर देखो समझने वाली बात है, हम जब बोलते हैं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो ये कौन सी टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ओके ना। तो जब भी इज एम आर वाज वर लग के आता है ना कोई भी चीज़ यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, ये इज एम आर या वाज वर इनके सबके साथ में प्लस बींग प्लस भीथरी कर लेते हैं। अब यहाँ पे एम है तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट को बनाएंगे हम लोग क्या सब्जेक्ट, तो क्रिकेट बनेगा। क्रिकेट के लिए तो अब एम का यूज़ करेंगे नहीं, क्रिकेट के लिए इज का यूज़ करेंगे, तो क्या बनेगा, क्रिकेट इज बींग प्लेड, ठीक है। तो क्रिकेट इज बींग कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में, क्रिकेट इज बींग प्लेड बाय मी, तो ये जो था इस तरीके से बन जाता आपका आराम से, ठीक है। इसके अंदर कुछ था ही नहीं, बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, कह रहा है ही प्लेड मैनी गेम, तभी किस टेंस के अंदर है, ठीक है, उसने बहुत सारे गेम जो है खेले, तो पास्ट में है ना, ही प्लेड सब्जेक्ट के बाद वी टू है, तो जब भी पास्ट में रहेगा ना तो अपना क्या है ना कि ऑब्जेक्ट के साथ वाज वर का यूज होता है, ठीक है, वाज वर प्लस भीथरी, वाज के साथ प्लस भीथरी करो चाहे वर आएगा अकॉर्डिंग टू अपना, ये ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट में बन के आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे मैनी गेम्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मैनी गेम्स क्या बन जाएंगे, अपने सब्जेक्ट बनेंगे, मैनी गेम्स वर हो जाएगा ना यहाँ पे, जिसको आप वेयर पढ़ते हो तो वो वर है, ठीक है। वर प्ले क्या बोलेगा यहाँ पे, मैनी गेम्स वर प्लेड हो जाएगा ना यहाँ पे बाई हिम, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे देखो नॉट का यूज़ है नहीं और यहाँ पे हैज़ हैड का यूज तो हम करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो बोलोगे सर इसके अंदर तो वाज वर नहीं है, तो गाइज वही तो मैंने बताया ना, सब्जेक्ट प्लस भी टू आ गया, इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट में, और पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव बनता है वाज वर के साथ भीतरी लगा के, तो वर के साथ क्या है, भीतरी यहाँ पे लगा हुआ है, तो चीज़ दिख रही होगी आपको यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, ये देखो ही हैड ऑलरेडी पास्ड द एग्जामिनेशन, वो ऑलरेडी एग्जाम को क्या कर चुका है, पास कर चुका है, ठीक है। तो जरा मेरे बनाने से पहले आप आंसर दो फटाक से कौन हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, क्या पास कर चुका है एग्जामिनेशन को, तो एग्जामिनेशन क्या बनेंगे, अपने सब्जेक्ट द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो हैड के साथ क्या लगता हैज हैव हैड के साथ बीन लग जाता है ना, द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी बीन पास्ड हो जाएगा, द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी बीन पास्ड बाय हिम, तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें देखो हैज है तो हैज नहीं बनेगा, ठीक है, हैड प्लस बीन लगने तो यहाँ पे ऑलरेडी बीच में आ जाएगा, हैड ऑलरेडी बीन पास्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ थी मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, कह रहा है अ चाइल्ड लाइक्स टॉयज, ठीक है, बच्चा जो है वो क्या लाइक करता है, वो टॉयज मतलब खिलौने को पसंद करता है, तो ये कौन से टेंस में है, तो लाइक्स क्या है, सिंगुलर के साथ लगा भी फाइव, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में पैसिव क्या बनता है, इज आर, ठीक है, प्लस भी थ्री, इज एम आर प्लस भी थ्री लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अ चाइल्ड लाइक्स टॉयज, तो टॉयज यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बनेगा टॉयज वर हो जाए, सॉरी वर तो नहीं बनेगा, टॉयज आर बनेगा ना ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो टॉयज आर लाइक्ड बाय अ चाइल्ड, करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव देखो क्या है ना, सी इज ईटिंग मैंगोज, ठीक है, वह क्या कर रही है, आम खा रही है, तब ये कंटिन्यूअस टेंस में तो क्या बनेगा, इज प्लस बींग प्लस भी थ्री, इज के साथ बींग लग जाएगा, तो मैंगोज, अब देखो मैंगोज है यहाँ तो पी इज लगेगा नहीं, आर लगेगा, मैंगोज आर बींग ईटन बाई हर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो कुछ ऐसा देख लो, ये दिख रहा होगा आपको, ये क्या हो जाएगा, मैंगोज आर बींग ईटन बाई हर, तो ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो कह रहा है, सी हैज क्या कह रहा है भाई, सी हैज रिटन लेटर्स, ठीक है, अब यहाँ पे हैज के साथ रिटन लेटर है, लेटर सही है, लेटर्स के साथ क्या लगेगा, बी हैव लगेगा ना, तो लेटर्स हैव, अब हैव के साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा, बीन रिटेन बाय, सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर, तो लेटर्स हैव बीन रिटेन बाय हर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, नो डाउट आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहे थे, डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड हिम, ठीक है, डॉक्टर ने उन्हें क्या किया, एग्जामिन्ड किया मतलब चेक किया,
तो यहाँ पे हैड के साथ क्या लगेगा, बिन लगेगा। अब हीम का ये ऑब्जेक्टिव केस में तो सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, तो ही हैड बिन हो जाएगा ना। ही हैड बिन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है, ही हैड बिन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आई सा अ स्नेक, ठीक है, मैंने एक स्नेक देखा। अब ये किस टेंस में है, आई के बाद सा है ना, तो ये किस टेंस में हो गया गाइस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने क्या बताया था आपको, वाज वर प्लस भी थ्री, ठीक है, तो अ स्नेक के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा ना, अ स्नेक वाज सीन बाई मी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ स्नेक वाज सीन बाई मी। ओके क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, आई वाज मेकिंग अ प्लान, ठीक है, मैं प्लान बना रहा था, तो वाज प्लस क्या है, भीतरी है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वाज बिंग भीतरी बनेगा यहाँ पे ना, तो अप्लान वाज बिंग हो जाएगा ना, तो कहाँ पे, अप्लान वाज बिंग मेड बाय मी, ठीक है, तो मेक का क्या बन जाएगा, पास्ट क्या बनता है, मेड बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहे हैं, दे हेल्प हर, ठीक है, उन लोगों की, उन लोग क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, दे हेल्प हर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, इज एम आर प्लस भी थ्री, तो सी बन जाएगा ना, हर का ऑब्जेक्टिव है ना ये, तो जैसे ही क्या हिज बनाया था हमने, तो सी का क्या हर बनता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ही का हर में रहा था तो सी का हर बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी इज हेल्प बाई देम, ठीक है, यहाँ पे सी बन जाएगा इसका, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इज लगेगा ही यहाँ पे, तो ठीक है, तो सी इज हेल्प बाई देम, ठीक है, दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाता है। ओके ना, आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दे व सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, सॉन्ग को सुन रहे थे, तो किस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, क्लियर है, तो यहाँ पे सॉन्ग्स है ना, यहाँ पे सॉन्ग्स क्या बनेगा, सॉन्ग्स का वर ही लगेगा, सॉन्ग्स वर बिंग संग बाई देम, संग क्या होता है, इसका भीतरी होता है, ठीक है, तो संग्स सॉन्ग्स वर बिंग संग बाई देम, ठीक है, तो आई होप कि मेरे बनाने से पहले आपने बना लिया होगा इसको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सीवा गाइड्स मी, अब ये गाइड्स है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, और एम के साथ भीतरी, आई एम क्या हो जाएगा, गाइडेड बाई सीवा, ठीक है, तो आई एम गाइडेड बाई सीवा, कितना आसान है, आराम से बन जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं इस टेंस के अंदर, आसानी से सब कुछ आप बना लोगे, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, आई हैव नॉट टेस्टेड द फूड, अब देखो यहाँ पे हैव है, तो हैव के साथ क्या लगेगा, हैव बिन प्लस भीतरी, तो द फूड हैव बिन, सॉरी, तो फूड क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, हैज लगेगा, तो द फूड हैज बिन हो जाएगा ना, सॉरी नॉट भी है यहाँ पे, एक चीज मैं मिस कर रहा था, द फूड हैज नॉट बिन टेस्टेड, द फूड हैज नॉट बिन टेस्टेड बाई मी, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन था ये, 13 नंबर का सी करेक्ट आंसर है, ठीक है, हैज नॉट बिन भी, और नॉट को छोड़ना नहीं है, अगर प्रीपोजिशन भी आ जाए तो प्रीपोजिशन को भी हमको लिखना होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या रहा है, 14 नंबर देखो, ये चीज क्या कह रहा है ना यहाँ पे, ही डिड नॉट रिंग द बेल, ठीक है, उसने बेल को रिंग नहीं किया, ओके कोई दिक्कत नहीं है, He did not ring the bell. अब देखो ये चीज़ क्या हो जाएगा, नहीं किया तो फिर पास्ट इंडिफिनिट में ही है, तो पास्ट इंडिफिनिट में वाज वर लगता है ना, तो वाज वर किस में है, इसमें तो है नहीं, इज है, इसमें हैज है, इसमें हैड है, नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, द बेल वाज नॉट रंग बाई हिम। ओके चलो अगला क्वेश्चन कहते हैं हम लोग 15 नंबर, आई डू नॉट यूज सोप, ठीक है, आई डू नॉट यूज सोप, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ क्या हो जाएगा कि मैंने नहीं यूज किया, मैं यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, तो ये सोप क्या हो जाएगा, सोप जो हो जाएगा वो सिंगुलर है, तो सोप इज नॉट यूज्ड बाय मी, क्लियर, यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट में था ये, तो आसानी से आपने बना लिया कि डी नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से अगला सवाल देखो कह रहा है, कह रहा है वी आर प्लेइंग चेस, तो चेस क्या है, ये चेस क्या भाई, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, आर की जगह पे इज लगेगा, तो चेस इज बिंग प्लेड बाई, यहाँ पे क्या है ना, प्लेइंग लगा है तो कंटिन्यूअस टेंस में है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस में बिंग लगता ही है, तो ये चीज मैंने आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में ही। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुगन्या कैन हेल्प मी, ठीक है, सुगन्या जो है एक नाम है, वो क्या करती है, मेरी हेल्प करती है, तो ये कैन के साथ क्या सीन है, कैन कुड मे माइट सेल शुड, ये जितना चाहिए ना मॉडल वर्ब, ठीक है, तो इन सभी के साथ क्या लगता है ना, ये मॉडल प्लस बी, बी प्लस भी थ्री, कैन बी प्लस भी थ्री लगा दोगे यहाँ पे, तो आई कैन बी हेल्प्ड, ठीक है, मॉडल वर्ब जितना भी है, कैन कुड मे माइट सेल शुड, ठीक है, ये विल वुड, ये सभी चीज़ों के साथ क्या लग जाता है, बी प्लस भीतरी, तो ये आई का क्या बने, मी का क्या बनेगा, आई, तो आई कैन बी हेल्प्ड, और बी प्लस भीतरी होता है ना, बाई सुकन्या, ठीक है, सुकन्या नाम है, सुकन्या नहीं नाम है इसका। आगे देखो कह रहा है आई एट अ मैंगो, ठीक है, मैंने एक आम खाया, ओके, ये किस टेंस में है भाई, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो अ मैंगो वाज ईटन हो जाएगा ना, अ मैंगो वाज ईटन बाई मी, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। ओके आगे देखो
क्वेश्चन नंबर 19 होगा ये आपका, जहाँ तक मुझे लग रहा है, नंबरिंग छूट गया इसमें। माई फादर विल एडवाइस यू, मेरे फादर जो है तुमको एडवाइस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनेगा क्या, माई फादर विल एडवाइस यू, तो देखो मेरे विल प्लस क्या बनेगा, विल प्लस बी प्लस भी थ्री बनता है ना, विल बी, ठीक है। तो यू विल बी एडवाइज्ड, कहाँ पे है यू विल बी, ये विल क्या है, मॉडल वर्ब है ना, तो यू विल बी एडवाइज्ड बाय किसके फादर, माई फादर, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेकन है शायद ऑप्शन के अंदर, अगर पूरी तरीके से देखा जाए, यहाँ पे पता है होना चाहिए था ये कि यू विल बी एडवाइज्ड बाय माई फादर, बट यहाँ पे मिस्टेक से योर हो गया, ठीक है, टाइप हो गया, तो ये चीज़ सुधारना होगा, यहाँ पे योर नहीं बनेगा, बिकॉज मैं अपने बारे में बता रहा हूँ ना, तो फिर यहाँ पे दो अलग अलग लोग हैं, तो इसे इसे ये पता चल रहा है कि उसके खुद के फादर उसको क्या कह रहे हैं, एडवाइस देंगे, बट ऑप्शन क्वेश्चन कुछ और कह रहा है कि मेरे फादर तुमको एडवाइस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माई फादर होना चाहिए, तो यू विल बी एडवाइस्ड बाई माई फादर होना चाहिए, ठीक है, माई किसी में लगा ही नहीं है, तो आप समझ लेना। और ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है डिड सी राइट ए स्टोरी, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो हमको पहले हेल्पिंग वर्ब निकालना होगा, तो पास्ट इंडिफिनिट में, तो पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग क्या होता है, वाज और वर, तो ये अ स्टोरी क्या है, सिंगुलर है, तो वाज अ स्टोरी रिटन बाई हर, ठीक है, तो वाज अ स्टोरी रिटन बाई हर ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। तो गाइज आई होप कि आपको इसके अंदर सब समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसकी PDF मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे इसकी आंसर है नहीं, और इसमें पासवर्ड होगा, पासवर्ड PDF के अंदर होगा ना, मतलब PDF ओपन करने के लिए पासवर्ड मांगेगा, तो टेलीग्राम पे लिखा हुआ है इसका पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड को भी नोट कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जब भी सर्च करोगे @A2ZStudy जैसा नाम है सिंपली, तो आपको 12,000 से ज़्यादा लड़के हैं वहाँ पे, वो ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट PDFs नोट्स वगैरह है, ठीक है। बाकी गाइस एग्जाम देके आना, तो फिर व्हाट्सअप जरूर करना हमें क्वेश्चन, और व्हाट्सअप नंबर बाकी वीडियोस में दे रखे, तो बाकी वीडियोस में अगर व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है तो वहाँ पे मैसेज कर देना एग्जाम किस डेट को है, और एग्जाम के बाद आप लोग जरूर से जरूर भेजना, मेरे स्टाफ सारे क्वेश्चन कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।